हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आज आपको बता रहा हूँ फ्लेक्सिबल बजट क्या है, और फ्लेक्सिबल बजट में अगर क्वेश्चन दिया हो, न्यूमेरिकल अगर आपको दिया हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फ्लेक्सिबल बजट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लेवल दिया होता है। लेवल से मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपनी कितनी क्षमता से काम कर रही है। मान लीजिए कि अगर 50% की क्षमता पर अपनी कैपेसिटी से काम कर रही है, या 70% पर कर रही है, 80% पर कर रही है, 90% पर कर रही है, ये चीज़ क्वेश्चन आपको दिया होता है। किसी एक लेवल पर, यानी मान लो कोई कंपनी है जो अपना 50% यानी 50% जो है कैपेसिटी पर अगर काम कर रही हो, तो बताना हमें ये होता है कि बाकी अगर 70%, 80%, 90%, 40% अगर कैपेसिटी पर काम करे, तो कंपनी को जो है कितना कॉस्ट आएगा, ये हम जो है प्रोडक्शन फ्लेक्सिबल बजट में हम ये बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक कंपनी है जो 50% कैपेसिटी पर काम करती है और उसके खर्चे हमें दिए हुए हैं, यानी 50% कैपेसिटी पर काम कर रही है और उसका प्रोडक्शन जो है 5000 यूनिट है। यानी कोई ऐसी कंपनी जो 50% अपनी कैपेसिटी यानी आधी क्षमता पर चल रही हो, और उसमें भी वो 5000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हो, साथ में उसके जो दिए हुए क्वेश्चन में कि रॉ मटेरियल जो है 50 रुपये, 50 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 50 रुपीज पर यूनिट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 15 रुपीज पर यूनिट, एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ 50000। अब 50000 दिया है, यानी 3 जो हमारा दिया था पर यूनिट में कॉस्ट दिया है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए दिया हुआ है कि 50000 रुपये, यानी 50% कैपेसिटी पर जो काम करती है कंपनी, उसकी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 50000 रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 60000 यानी 60000 रुपीज। इसके साथ में ये भी लिखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट, यानी अगर 50000 अगर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो उसमें से 50% वेरिएबल कॉस्ट है, यानी 50 में से 25000 वेरिएबल कॉस्ट, और 25000 यानी 25000 जो है हमारा फिक्स कॉस्ट है। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में भी दिया है क्वेश्चन में कि 60000 जो है खर्चा है, जिसमें से 60000 का 60% वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है 40%। यानी दोस्तों, अगर हम 60000 का 60% निकालें तो 36000 आएगा। ये 5000 कैपेसिटी के लिए दिया, यानी 50% कैपेसिटी पे खर्चे दिए हुए हैं। उसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट यानी 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 40% इसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जो आएगा 60000 का 40% 24000। उसी तरह से हमारा रॉ मटेरियल 50 रुपीज पर यूनिट है, तो 5000 × 50 4 लाख रुपीज हुआ। ये टोटल हमारा रुपीज में दिया हुआ है। उसी तरह से लेबर चार्ज जो होगा 50 रुपीज के रेट से 5000 का 80 रुपीज है। रॉ मटेरियल जो है 80 रुपीज पर यूनिट है, और डायरेक्ट लेबर चार्ज 50 रुपीज पर यूनिट है, तो 5000 × 50 यानी 2,50,000। डायरेक्ट का 50 रुपीज से 5,75,000, और हमारा जो 50000 था फिक्स कॉस्ट 50% और वेरिएबल 50%, तो हमने 25 कर दिया। इसके बाद उसी तरह से फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो किया, टोटल कॉस्ट हमारा जो आया 5000 यानी 50% कैपेसिटी पर 1,835,000 यानी 8,35,000 रुपये। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है कि 80% और 100% अगर कैपेसिटी पर वो कंपनी चले, तो हमारा कॉस्ट क्या आएगा। इसको निकालने के लिए सेम टू सेम, क्योंकि हमारा 50000 पर 5000 यूनिट प्रोडक्शन होता है, तो 100% हमेशा जो क्वेश्चन में हम निकालेंगे, तो क्वेश्चन में 100% पर जो निकालते हैं, इसमें निकालेंगे रेशियो के, अगर 50% 5000 है, तो 100% पर 10000 यूनिट होगा, और 80% इसका निकाल देंगे तो 8000। यानी तीनों कंडीशन में हमारा जो यूनिट आया वो 5000 यूनिट, 8000 80% पर, और 100% पर 10000 यूनिट आए। इसमें 10000, 8000 और 10000 जो आया है,
उसके लिए तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ दिया है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 × 80 = 6,40,000। उसी तरह से 100% के लिए 10,000 × 80 यानी 8,00,000। ये हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमने पहले बताया था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, जो चाहे प्रोडक्शन में उसका कॉस्ट भले ही बढ़े लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम होता है, ऑलरेडी सेम रहता है। तो इसीलिए इनके टोटल यूनिटों से इनका अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम इनका निकाल लेते हैं कि 50%, 80% और 100% पर इसकी कॉस्ट क्या आएगी। इसके बाद आता है दोस्तों फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें दो कंडीशन है, एक वेरिएबल, वेरिएबल के लिए यही नियम लागू होता है जो यहाँ होता है। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 25,000, तो 25,000 / 5,000 तो पर यूनिट जो आएगा हमारा 5 रुपीज हमारा पर यूनिट कॉस्ट आएगा। इस 5 रुपीज को हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40 यानी 40,000, 10 × 5 = 50,000। ये वेरिएबल नेचर का है तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे और इसके बाद सभी मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट में, तो हमारा इसका कॉस्ट आ जाएगा। अब आता दूसरा फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्योंकि सेम होता है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े या घटे, उससे हमें कोई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों कंडीशन में फिक्स कॉस्ट सेम होगा, तो सेम हमने लिख दिया। उसी तरह से 60,000 के कंडीशन में वेरिएबल कॉस्ट 36,000 था, यानी 36,000 / 5,000 यानी जो कॉस्ट आया इसका पर यूनिट का 5 रुपीज 20 पैसे यानी 36,000 जो है 5,000 यूनिट पर है, उसी तरह से 5.2 आएगा, जिसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 557,600। फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी 7.2 होगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,600 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 होगा। ये था वेरिएबल नेचर का, जो हम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, और फिक्स कॉस्ट क्योंकि यहाँ जितना होगा वही तीनों के लिए होगा, और लास्ट में हम तीनों का अलग अलग ऐड कर देते हैं। जो 80% ऑफ कैपेसिटी पर अगर काम करेगी कंपनी तो उस प्रोडक्शन के प्रोडक्शन जो 8,000 यूनिट होगा और उसका कॉस्ट आएगा 13,06,600, और 100% कैपेसिटी पर वो कंपनी जो 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करेगी उसका जो कॉस्ट आएगा 16,21,000। ये हमारा कॉस्ट है। यानी दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिया हो तो उसके लिए ये है कि जितनी कैपेसिटी पर दिया हो वो कैपेसिटी के लिख लेते हैं, और उस पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद जैसे 70%, 20%, 80% जो भी दिया हो उसके आधार पर हम यूनिट निकाल लेते हैं कि अगर 50% इतना है तो 80% पर क्या होगा और 100% पर क्या होगा, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटी पर यूनिट निकाल कर, और फिक्स कॉस्ट के लिए सब सेम होगा, और ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था हमारा फ्लेक्सिबल बजट, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।